जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप एक नए फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 20,000 के आसपास है तो आप एक सही वीडियो में आए हैं। आज इस वीडियो के थ्रू आप 5 ऐसे बेहतरीन फ़ोन्स को देखने जा रहे हैं जो कि आपको इसी बजट रेंज के आसपास मिल जाएंगे, और हमारी कोशिश यही रही है कि इस बजट रेंज के सबसे बेहतरीन फ़ोन्स आज आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाया जाए, जिसे शायद आप पसंद भी करेंगे। और दोस्तों, जितने भी आप फ़ोन्स इस वीडियो के थ्रू देखेंगे सभी लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन हैं और सभी में आपको धमाकेदार फीचर्स मिल जाते हैं। कुछ आपको हाइलाइट्स बता देता हूँ सभी फ़ोन्स के। सभी फ़ोन्स में आपको धमाकेदार क्वालिटी वाले कैमरा मिल जाएंगे, सभी फ़ोन्स में आपको ट्रूली 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और सभी फ़ोन्स में आपको बेहतरीन और पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, और सभी फ़ोन्स में आपको एक पावरफुल मैसिव बैटरी भी मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट के सबसे नंबर वन फ़ोन की, जो है लावा की तरफ से, लावा ब्लेज कर्व 5G। और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया है, और एक इंडियन ब्रांड है जैसा कि आप जान ही रहे हैं। और इसका जो 8GB और 128GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 17,999, और 8GB और 256GB वाला जो वेरिएंट है उसका जो प्राइस है वो 18,999। इस फ़ोन में आपको 64MP का मेन कैमरा मिल जाता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और 32MP का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। अच्छी कैमरा क्वालिटी है, बेहतरीन तो नहीं कहूँगा क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो सच है सच और जो झूठ है झूठ। 189 ग्राम का इसका ओवरऑल वेट, 5000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ आपको डुअल सिम कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। 6.67 inches का फुल HD डिस्प्ले आपको इस फोन में मिल जाता है। 120Hz का AMOLED HDR10 का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा आपको इस पर डिस्प्ले साइज मिल जा रहा है। दोस्तों, इस फोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको दिख जाएगा। आइए बात करते हैं अपने लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की, जो है पोको X6 5G, और काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया है। 19,999 इसका प्राइस है। प्लास्टिक बैक आपको सपोर्ट में मिल जाता है, डुअल सिम का सपोर्ट आपको इस फोन में मिल जाता है, IP54 का रेटिंग भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस के साथ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इस फोन में देखने को मिलता है, 6.67 inches का कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास का वेक्टर सपोर्ट आपको इस फोन में मिल जाता है, 1.5K का रेजोल्यूशन आपको इस फोन में देखने को मिलता है, डिस्प्ले AMOLED आपको इस फोन में मिल जाता है, उसी के साथ आपको 4K के वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, 1800 का निट्स पीक ब्राइटनेस तक चल जाता है इसका, 10 का 5G बैंड्स आपको इस फोन में देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 5.2 आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलता है, Xiaomi हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम, और 3 मेजर अपडेट्स कंपनी ने ऑफर किए हैं, क्लेम किए 4 years का सिक्योरिटी अपडेट भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, एप लॉक डुअल एप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7S का जनरेशन 2, LPDDR6 का रैम आपको इस फोन में मिल जाता है, एंटूटी स्कोर इसका 6 लाख से ऊपर है, यानी आपको गेमिंग के लिए कोई भी परेशानी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, हैवी गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं, 51,000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फोन में मिल जाती है, 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, 45 से 50 मिनट में आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, 64MP का वॉइस कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलता है, 8MP का आपको फ्रंट कैमरा उस फोन में देखने को मिलता है। ये बात कर लेते हैं लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की, जो है आईको की तरफ से, आईको Z9 5G, 6.67 inches का फुल HD डिस्प्ले, 1800 निट्स ब्राइटनेस आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी, 44W का वायर्ड चार्जिंग आपको इस फोन में देखने को मिलता है, आईको Z9। इसकी अगर हम बात करें, इस फोन में आपको MediaTek 7200 का प्लस प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों, और इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, 16MP फ्रंट कैमरा, 50MP का प्राइमरी कैमरा आपको इस फोन में मिल जाता है, वॉइस कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 14 का भी सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, IP54 का सर्टिफिकेशन भी आपको इस फोन में देखने को मिलता है,
और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 90,999 इसका प्राइस है। और जो हमारे लिस्ट के अगले नंबर पर फ़ोन आता है वो दो फ़ोन है, रियल मी 12 प्लस और रियल मी नार्जो 70 5G का। दोनों फ़ोन लगभग सेम है, कुछ हल्के फुल्के फीचर्स आपको दोनों फ़ोन में अलग दिखाई देंगे और दोनों फ़ोन को आप परचेस कर सकते हैं बजट रेंज में, क्योंकि दोनों फ़ोन में काफ़ी बेशुमार फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ये बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कुछ धमाकेदार फीचर्स की। डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंच का फुल HD AMOLED सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है Realme Narzo 70 Pro में, जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं। 20Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है, लुक इसका काफ़ी तगड़ा है। सभी फ़ोन जितने भी आप इस लिस्ट के माध्यम से देख रहे हैं सभी का लुक काफ़ी बेहतरीन है, प्रीमियम लुक के साथ सभी फ़ोन आता है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मीडियाटेक एमसी 7050 का प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 14 का है। रियलमी UI का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। परफॉर्मेंस इस फ़ोन का काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। 5000mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। 67W का फुल चार्जिंग आपको मिल जाता है। कैमरा की अगर बात की जाए तो ट्रिपल रियर कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 50MP का आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। IMX890 का वॉइस कैमरा आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। 60MP का ये सेल्फी कैमरा, 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग, 30fps तक कैमरा की अगर बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें फीचर्स मिल जा रहे हैं। बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के साथ आपको ये फ़ोन मिल जाता है। कैमरा के लिहाज से ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं होराइजन ग्लास डिज़ाइन आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। और ये जो फ़ोन आपको 20,000 के बजट रेंज में मिल रहा है आपको 35-40,000 के बजट रेंज में मिलेगा, लेकिन ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा फ़ोन इसी बजट रेंज में दे दे रही है। काफ़ी प्रीमियम फ़ोन, काफ़ी धमाकेदार फ़ोन आपको मिल जा रहा है। ये बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की, और इसकी प्राइस जो है 90,999 है दोस्तों। जो इससे पहले वाले फ़ोन की हम बात कर रहे थे वीवो T3, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन, आप देख सकते हैं इस फ़ोन के लुक को। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 1800 तक का इसका जो ब्राइटनेस है वो पहुँच जाता है। ब्राइटेस्ट AMOLED डिस्प्ले इन द सेगमेंट, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। डिस्प्ले फीचर्स काफ़ी बेहतरीन है इस फ़ोन के। एंटूटू स्कोर भी इस फ़ोन का काफ़ी बेहतरीन है। वीवो T3 5G जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। लुकिंग वाइज फ़ोन काफ़ी तगड़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रही है कहीं भी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब बटन को हिट करके, ताकि इसी तरह का और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहे। वीवो T3 5G प्रोसेसर की अगर इसके बात की जाए तो मीडियाटेक एमसी 7200 का प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। हैवी गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं। गेमिंग के लिहाज से फ़ोन ये काफ़ी बेहतरीन है। 5000mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। 44W का सुपर वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। डुअल रियर कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। कैमरा अच्छा है, बेहतरीन तो नहीं कहूँगा। और आप देख सकते हैं इस फ़ोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जा रहा है, माफ़ कीजिएगा डुअल रियर कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको इसमें 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट तक भी देखने को मिल जाएगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं वीवो T3 5G। इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो 19,999 इसका प्राइस है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कंक्लूजन आपको वीडियो के अंत में बता देता हूँ। जितने फ़ोन आज आप इस लीडरशिप के माध्यम से देखे हैं सभी में आपको बेहतरीन कैमरा क्वालिटी मिल जा रहे हैं। अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको सभी फ़ोन से मिल जा रहा है। सभी ऑलराउंडर फ़ोन है लगभग, सभी में आपको गेमिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सभी में लेग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सभी फ़ोन का एंटूटी स्कोर काफ़ी बेहतरीन है और सभी फ़ोन लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है और सभी में आपको धमाकेदार फीचर्स मिल जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही रही है कि कोई फीचर्स की कमी आपको किसी फ़ोन में ना दिखाई दे, और हम वीडियो इसी मकसद से बनाते हैं ताकि आप एक अच्छा और बेहतरीन फ़ोन खरीद सकें जिसे आप लंबे समय तक बिना रुकावट बिना कोई झंझट इस्तेमाल करें। और इसी रेंज में आपको वीवो T2X भी मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स कम है T3 से और इसका प्राइस भी थोड़ा सा कम है। अगर आप 15,000 के आसपास कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।